तो गाइस जितने भी पापा के परिया एक दूसरे का हाथ पकड़ के रो रखो, नहीं तो उड़ जाओगे हवा में। पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त, पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में। तो लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। तो आज का ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया गेट पे ना प्रया भोजन। अब आप ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको सालों तक फ्रिज में भी रख लो तब भी ठंडी ही ठंडी रहती, गर्म होती है? कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। तो गाइस एक दिन सभी डिप्रेशन में जाएंगे, सिर्फ रिंकिया के पापा हंसते रहेंगे। हम आपको बहुत प्यार, हम भी आपको बहुत प्यार। हे भगवान तेरी लीला हो गई नहीं मस्त। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। सो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। सो गाइस तो आज देख रहे हो कि हम कंटा स्मार्ट लग रहे हैं। स्मार्ट यार, मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? इसलिए क्योंकि आज को लव का सेट लिए तो स्मार्ट लगेंगे। साथ में यहाँ पे ये देखो, ये इसलिए आगे क्या रे भिख मंगिया बैठा है मेरा, ये सिक्योरिटी वो नहीं होता है बॉडीगार्ड वो है, क्योंकि आज आप देख रहे हो अभी नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, हवा चल रहा है, जिसका नॉइस आता है उसी को रोकने के लिए बैठा है, ताकि हम पे अटैक ना करें, फोन में नॉइस थोड़ा कम आए, ठीक है। बाकी आज के प्यारे से वीडियो देखते हैं आप लोगों को कैसा इंटरटेनमेंट दिला पाते, तो आप लोग बने रहिए, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और अपने भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहो और हम आप लोगों को इंजॉय दिलाते रहेंगे और हंसाते रहेंगे, ठीक है। चलो उड़ता है फिरूं इन हवाओं में कहीं। सो गाइस तो अभी हम आए हैं इंडिया गेट पे, आते हैं यहाँ पे, हमें कुछ स्क्रेच भी मनाने वाले भैया सब मिल रहे। हेलो भैया, भोसडी के आप अपना बना रहे, बच्चे का बना रहे? तो गाइस तो इसका स्क्रेच बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, देख लो। बाकी चलो गाइस अब चलते हैं इंडिया गेट पे। तो गाइस आज हवा इतना ज्यादा चल रहा है, हवा इतना ज्यादा चल रहा है कि वहाँ पे किसी की गर्लफ्रेंड उड़ती हुई जा रही थी। अब किसकी थी वो हमें भी नहीं पता है, आप में से अगर किसी का हो तो बता देना। तो गाइस जितने भी पापा के परिया एक दूसरे का हाथ पकड़ के रो रखो, नहीं तो उड़ जाओगे हवा में। पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में। भाई किसका है ये, लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। और साथ में हमारे ये नल्ले देखो, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। बैगन आप लोग बने रहिए, बहुत मजा आएगा। तो गाइस आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता हूँ कुछ भी, अगर वो 5 रुपए से कम हो। पाँच रुपए से कम होता है तो हम नहीं उठाते, बाकी कोई ना। चलो इधर से हवा चल रहा है। कभी कभी अमीर दिखने के लिए केले का छिलका बिना चाटे भी फेंक देता हूँ। उसकी हमें आदत होने की आदत, इस माय फैशन। बाकी आप लोग तो समझ रहे हो हम कितना कंजूस आदमी है गाइस, बाकी चलो कोई ना। तो गाइस एक दिन सभी डिप्रेशन में जाएंगे, सिर्फ रिंकिया के पापा हंसते रहेंगे। ही हंस दे रिंकिया के पापा ही, रूप सा जल के हंसते रहेंगे। ही हंस दे रिंकिया के पापा, बाद भी हम भी हंसते रहेंगे। माय फैशन, हंसना एक कला है। हेलो गाइस, ऐसे ऐसे हेलो होते रहते हैं हमारे ये भाई। देखो हमारे आंटी लोग से क्वेश्चन पूछो, पूछो भाई कुछ पूछो, पूछो भाई पूछो। हाँ अपनी इंदिरा गांधी, हाँ पूछो। ऐसा क्या है जिसे हम अंधेरे में ही कर सकते हैं? अंधेरे हाँ। आपने बोला हम सब बता देंगे मैडम। हेलो, ऐसा क्या है जिसे हम अंधेरे में ही कर सकते हैं? प्यारी समझ गई। ऑप्शन दोगे? अंधेरे में हम सो सकते हैं, आग बंद कर भाई उधर से एक बैग निकाल ले। अंधेरे में बोला आप? अंधेरे में करते हैं, सिर्फ अंधेरे में भाई। दिन में भी सोते हैं तू? गाइस कंफ्यूज है, ऐसी कौन सी चांदनी रूपा तो हर कागज अंधेरे में करते हैं? हाँ अब गाइस ये लोग बता रही है, लग रहा है इन लोगों को भी पता नहीं। बीच में ना बोल,
अच्छा दूसरा मैं पूछ देता हूँ, ठीक है? हाँ पूछ दो। काला घोड़ा व्हाइट सके तो मोगल वाली को बताना। व्हाइट मतलब सफेद सवारी, एक उतरा दूसरी की बारी। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। पैसा बर्बाद। सोचो सोचो सब सब पहले तो ये बताओ भैया, सवाल कितने पूछना और इनाम कितने सवालों में? हमारे पास हम अपनी तरफ गोली तोहरा गोली आके जान मार। अच्छा जवाब कौन दे रहा है ये बताओ? सब देंगे। सवाल पूछे? हाँ इनसे पूछे। हाँ चलो। तो पूछा था मुझे नहीं सवाल पूछते हैं आपसे। अच्छा ये बताइए, आपके घर पे नौकर है? हाँ। नहीं हो तो अरे भाई इधर भी ऑप्शन, ये लोग भी गुलाबी तो हर गाल गोरिया। अब आप ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको सालों तक फ्रिज में भी रख लो वो तब भी ठंडी ही ठंडी रहती, गर्म होती? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ठंडी की ठंडी रहती है, फ्रिज में रखने के बाद ठंडी रहती है। अखिया अखिये में बत्तिया कर... हाँ। वो ऐसी कौन सी गर्म चीज है? हाँ, तो गर्म रहती है, गर्म होती है। ओ भाई मारो मुझे मारो। गरम मसाले नहीं खाते हैं आप लोग? भी बता सकते हो, लेते हैं खाने के लिए पर उसे खाते नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़? सुनो सच बोलकर दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर कभी धोखा मत देना। अब मैम लोग पूछते हैं फंस गए करो। और कितने मिले आपके लिए मेरे तरफ से? एक ट्रॉफी, एक रुपए वाले। ओ कर मुस्कान दिल लागे ले। वो मिला खूबसूरत लोगों को नहीं आया, उन्हें आया। अरे वो कौन, वो किसी से कम खूबसूरत थोड़े है। बाकी चलो आप लोग मिल के बहुत अच्छा लगा। चलो चलो अपन का यहाँ से आप होता है खत्म। यहाँ पे किसी के घर का नल खुल गया, कृपया करके बंद कर लेना, नहीं तो बाहर आ जाएंगे इंडिया गेट में। आंटी जी आप ये घर का खुला हुआ यार। तो गाइस तोड़ने के लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़ सकती हूँ, उतना बड़ा होने यार। उतना बड़ा होना पड़ा, और बड़ा होने के लिए हमको पीना पड़ेगा बॉन बीटा, और बॉन बीटा से मिलता है शक्ति जिससे हम हो सकते हैं बड़ा। बाकी भाई तो गाइस मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा कि क्या फायदा इतना आगे टेक्नोलॉजी ले जाकर, जब यही नहीं पता चल रहा है कि हमारी गर्लफ्रेंड किसके साथ व्यस्त रहता है? प्यार दोस्ती हमें आदत हो, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर नहीं सकती। बताओ यार ऑनलाइन रहता है। दिस इज सॉरी फॉर माय इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज माय आई एम हैंडसम सो यू। तो आज का ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया गेट पे ना दिस इज आज का हेडलाइनिंग, वो आपको बिग स्क्रीन पे दिख रहा है, टोटली फॉर बिग स्क्रीन एंड माय इंग्लिश इज वेरी 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 क्यूट, मतलब इंग्लिश क्यूट नहीं होता गाइस, इंग्लिश इज जो है ना। सो गाइस अगर आप लोग फोन से पैसा कमाना चाहते हो तो अपना फोन बेच दो, पैसा कमा लो। विच इज सिंपल फंडामेंटल, अगर नहीं कहो ना टसंग मसंग पैसा क्या होता भाई। अगर दिस इज सीधा धरना 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 दिस इज। तो गाइस कल मुझे शादी में एक लड़की पसंद आई, लेकिन बाद में पता चला शादी तो उसी का था यार, और बेइज्जती था, ऐसे ऐसे बेइज्जती हो जाते हमारे कभी।
सो गाइस, तो हम 3 महीने से एक लड़की से चैटिंग कर रहे थे इंस्टा पे। अच्छा, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़की नहीं, वो एक भाभी निकली यार। मुझे एक भौजी ने लूटा दे। ऐसे ऐसे घटने हो जाते हैं हमारे जिंदगी में कभी कभी कि रोना पड़ता है। फाइनली गाइस, तो आज के प्यारे से ब्लॉग को करते हैं खत्म। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए। देख सकते हो सेलिब्रिटी आ गए यहाँ पे, ये लोग ना लाइट दिया है मेरे फेस पे, तब जाके वीडियो खत्म कर रहे हैं। बाकी आप लोग इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो तबाही वाले। सब किसका दाग है, देख रहे हो, समझ रहे हो। लव यू, बाय। चांदनी अन रूपा तोहर